हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनी टच 99। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको मैं टॉपिक में लेके चलता हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों अपने व्हाट्सएप की पांच कमाल की मैजिक ट्रिक, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी, बहुत काम की हैं आपके। आप उससे इंटरेस्टेड रहेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, ये काम की ट्रिक है, हमको इसको अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहिए व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर भाई के चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं तो आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले फ्रेंड में। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको सिंपली यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर ले रहा हूँ और आपको बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप ओपन किया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं अपने यहाँ से कोई भी एक वीडियो, मतलब चैट में गया। चैट में जाने के बाद या कोई फ़ोटो ले लिया या वीडियो, पहले तो देख पा रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पर ये मैसेज दिख रहा है, ये मैसेज दिख रहा है। अब इस मैसेज को, ये बहुत दिन का हो गया, कितने कल का हो गया, परसों का हो गया। हम इसको आप ऐसे टच करेंगे और कैसे देखेंगे इसको मैं बता दूँ। यहाँ का टच करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है थ्री लाइन में, तो आप यहाँ पर थ्री लाइन में जाएंगे। थ्री लाइन में जाने के बाद आपको इसको पता चलेगा, ये इन्फो का ऑप्शन दिया है, इसमें टच करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैसेज मैंने कितने डेट को डाला था, 25 फरवरी और क्या 12:10 पे डाला था। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने डाला था, ये मेरे डालने का टाइम है और मैंने ये, उसने मेरा मैसेज देखा कब था, किस डेट को देखा था और किस टाइम पर देखा था, तो ये उसने रीड कब किया था। तो यहाँ से इसको आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पर देख रहे होंगे 25 फरवरी 12:18 PM में देखा था। तो देख पा रहे होंगे ये आपका, ये पहला जो हो गया, पहली ट्रिक हो गई, पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन करके दिखा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर अभी बहुत दिन का हो गया तो भी, अभी का होगा तो भी, हाय हेलो, मैंने यहाँ से इसको ऐसे सेंड किया। पहले तो मैं इसको आपको करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरी ट्रिक जो है। अब इसको भेज दिया, अब हमको यहाँ पर दूसरा कुछ भेजना था, इसलिए मैं अब क्या करूँ, इसको डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि उसके पास यही मैसेज भी जाए और देखे भी तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखा। इसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखेंगे। थ्री डॉट दिखने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर दिया हुआ है एडिट का ऑप्शन। अब यहाँ पर एडिट में गया, एडिट में गने के बाद मैंने इसको हेलो को यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर पहले देख भेजा था मैंने हाय हेलो, अब खाली यहाँ पर एडिट करने के बाद हेलो में कर, हाय में करके सही कर दे रहा हूँ। अब देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है, खाली हेलो दिख रहा है, वो सॉरी खाली हाय दिख रहा है, हेलो हट गया है और वो मैसेज वहाँ तक उनके, उसके पास जो पहुँचा होगा यही पहुँचा होगा। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक ये हो गई। और तीसरी ट्रिक, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज है जिसे आप अपने फ्रेंड में फ़ोन की स्क्रीन में रखें, पहले नंबर पर रखें, तो इसको आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आपको यहाँ फिर से थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिया है, तो ये देख पा रहे हैं कि पिन के ऑप्शन में ऐसे टच कर देंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने टाइम के लिए आप इसको पिन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से पिन करके रखेंगे जितने टाइम के लिए आपको चाहिए, तो ऐसे पिन कर देंगे। पिन करने के बाद देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर यू पिन एट का लिख गया ये, और ये यहाँ पर दिख रहा है पिन का ऑप्शन। ये आपके फ्रेंड में रहेगा हमेशा, आपको याद रहेगा कि ऐसा मैसेज है, ये आपका पड़ा रहेगा। ये हो गया आपका तीसरा। और मैं आपको दूसरा अपडेट दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो भेजा, मान लीजिए मैं ये वीडियो भेजा, ये वीडियो को मैं अब कल का भेजा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जाके, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने कल भेजा था, स्टेटस दिया है और उसने सीन भी किया था। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। उस ऐसे गया, थ्री लॉन्ग प्रेस किया, ऐसे गया इसमें, और यहाँ से आप इसको भी पिन कर सकते हैं। वीडियो हो तो वीडियो भी यहाँ से आप इसको यहाँ से पिन कर सकते हैं, या तो वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन आपको पता है, यहाँ से आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो को आप स्टार करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको चौथा जो ट्रिक है वो बता दे रहा हूँ। चौथा ट्रिक ये है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर जाना है। ऐसे मैंने टच कर दिया, टच करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहले हम फोटो भेजते थे तो यहाँ गैलरी में जाके भेज देते थे, तो फोटो क्या होती थी, फट जाती थी, ब्लर हो जाता था। अभी वही फ़ोटो आपको ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी और फ़ोटो फटाफट आपको मिल जाएगी, और आप डॉक्यूमेंट के रूप में भेज भी सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता दूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले हम यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को ढूंढा करते थे, ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाता था। यहाँ से आपकी JPG जो हम डालते थे वो काफ़ी टाइम लग जाता था और वो फ़ोटो भी नहीं मिलता था, हमको पता भी नहीं चलता हम कैसे उसको भेजें। अभी क्या नया अपडेट आया है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ क्लोज फ्रॉम गैलरी का जो ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपको जाएंगे, जैसे आप ऐसे गए
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम टू सेम गैलरी जैसा ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आल में जाना है। आल में जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को नीचे जाके फटाफट देख लेंगे, फ़ोटो भी दिखेगी तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ से ढूंढ कर आप जैसे मान लीजिए मैं कोई भी फ़ोटो एक ये फ़ोटो मान लीजिए ले लिए, लेने के बाद टच किए तो ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, वो अपने आप देख सकते हैं एक 1.5 MB की पिक भी बन गई है। अब इसको मैं ऐसे सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद अब देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये ऐसी सेंड हो गई। अब HD क्वालिटी में फ़ोटो भी नहीं फटेगी और उसके पास HD क्वालिटी में भी फ़ोटो भी पहुँच जाएगी। दोस्तों यही थी 5 ट्रिक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगली वीडियो में हम इससे अच्छी अच्छी अपडेट बताएंगे जो कि 2-3 दिन में आने वाली हैं व्हाट्सएप में, हमको पता चला है। इसलिए आपको वीडियो को इस हमारे बने रहे चैनल पर, हम आपको इसी तरह के वीडियो लाइक लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको इसी तरह के अगली कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।